मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का EBS और हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था चैप्टर 8। चैप्टर 8 को हमने कंप्लीट कर लिया था। सो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9, फूड वी ईट, मींस जो हम लोग खाना खाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। डाइजेशन ऑफ फूड मींस खाने का जो पाचन होता है वो हम लोग फर्स्ट टॉपिक है इसका, डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन इज़ द मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल फॉर्म। डाइजेशन क्या है? एक मैकेनिकल और केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड का, जिसमें कि फूड क्या होता है, एक सिंपल फॉर्म में ब्रेकडाउन हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। इट बिगिंस इन द माउथ। ये कहाँ से शुरू होता है? माउथ से शुरू होता है। द टेस्ट बर्ड्स ऑन द टंग सेंड मैसेज टू द ब्रेन अबाउट द टेस्ट ऑफ द फूड। जो टेस्ट बर्ड होते हैं टंग में, टंग पे जो टेस्ट बर्ड होते हैं वो ब्रेन को मैसेज भेजते हैं खाने का जो टेस्ट है उसके बारे में। च्यूइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड डाइजेशन। चबाना क्या होता है? बहुत ही ज़रूरी होता है एक अच्छे पाचन क्रिया के लिए। व्हेन वी च्यू फूड इनटू फाइन पार्टिकल्स द जूस दैट आर प्रोड्यूस्ड फॉर डाइजेशन कैन रिएक्ट मोर इजली। जब हम लोग खाने को चबाते हैं बहुत ही अच्छी तरह से, तो जो उसका पार्टिकल्स होता है वो एक जूस प्रोड्यूस करता है डाइजेशन के लिए, तो वो क्या होता है, आसानी से मीन्स रिएक्ट करता है डाइजेशन में। द फूड मिक्सेस विथ अ लिक्विड जूस कॉल्ड सलाइवा। जो खाना होता है वो उस जूस के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है, उस जूस को हम लोग क्या बोलते हैं, सलाइवा। इन द माउथ, माउथ के अंदर होता है जिसको हम लोग लार बोलते हैं, तो सलाइवा होता है। सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू सॉल्यूबल शुगर और ग्लूकोज। सलाइवा का काम क्या होता है? सलाइवा तोड़ देता है, ब्रेक डाउन द स्टार्च, स्टार्च को जो मुंह में स्टार्च होते हैं उसको वो ब्रेक डाउन कर देता है, किसमें, सॉल्यूबल शुगर और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। द ग्लूकोज इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी एंड वी गेट एनर्जी टू डू वर्क। और ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज को बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उससे हम लोग को एनर्जी मिल जाती है काम करने के लिए, ठीक है। व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ कुक्ड राइस? एक पके हुए चावल का कैसा टेस्ट होता है? व्हेन वी च्यू द राइस, जब हम लोग चावल को चबाते हैं, वी गेट अ स्लाइट स्वीट टेस्ट, तो हम लोग को थोड़ा सा मीठा टेस्ट आता है। दिस इज़ बिकॉज राइस कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च। वो किस लिए होता है? क्योंकि चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च पाए जाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन, जब पाचन के समय में क्या होता है, ड्यूरिंग डाइजेशन, दिस स्टार्च इज़ ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। डाइजेशन के टाइम पे यही स्टार्च किस में टूट जाता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज से हमें क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। दस व्हेन वी ईट राइस रोटी और ब्रेड इट टेस्ट स्वीट आफ्टर सम टाइम। जब हम लोग चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं या फिर ब्रेड खाते हैं, तो उसमें हम लोग को हल्का मीठा टेस्ट आता है। नीड फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज की ज़रूरत क्यों होती है वो पढ़ेंगे। आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क और प्ले वी जनरली फील वीक एंड टायर्ड। हम लोग लंबे समय से अगर हम लोग काम कर रहे हैं देर से, तो कुछ समय के बाद हम लोग को थकान महसूस होता है या फिर कमजोरी महसूस होती है। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड हंगर अ पर्सन मे इवन फेंट। अगर हम लोग बहुत लंबे समय से भूखे हैं तो उसमें क्या होता है, इंसान बेहोश भी हो सकता है। This happens because the glucose level in the body falls. वो इसलिए होता है क्योंकि जो glucose level होता है body में वो कम हो जाता है, इसीलिए चक्कर आना start हो जाता है, means faint, fainting. The energy of the body is exhausted. और जो body की जो energy होती है वो ख़त्म हो जाती है। When we drink glucose water or eat glucose biscuit, we get energy instantly. अगर हम लोग ग्लूकोज वाटर पीते हैं या फिर ग्लूकोज बिस्किट खाते हैं, तो हम लोग को तुरंत एनर्जी मिल जाती है। ग्लूकोज इज़ ईजली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। ग्लूकोज क्या होता है, जिसको बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है। समटाइम्स लिक्विड ग्लूकोज इज इंजेक्टेड इनटू द ब्लड इफ़ द पेशेंट फील्स डिहाइड्रेटेड। कभी कभी की तो क्या हो जाता है, क्या होता है कि जो लिक्विड ग्लूकोज होता है वो इंजेक्ट किया जाता है खून में पेशेंट के, जब पेशेंट क्या हो जाता है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है एंड इज़ अनेबल टू ईट सॉलिड फूड, और वो मीन्स सॉलिड फूड नहीं खा सकता है, इसीलिए उसको क्या दिया जाता है, ग्लूकोज इंजेक्ट किया जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज ड्रिप, दिस इज़ कॉल्ड ग्लूकोज ड्रिप।
अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फूड स्पॉइलेज, मींस जब खाना खराब हो जाता है तो उस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। फूड स्पॉइलेज, फूड गेट स्पॉइल्ड व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया मोल्ड एंड यीस्ट बिगेन टू ग्रो इन इट। खाना कब खराब होता है? जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, मोल्ड हो गया या फिर यीस्ट हो गया, वो उसमें ग्रो करना शुरू कर दें। यू वुड हैव नोटिस द स्पॉइल्ड फूड एट होम। क्या तुम लोगों ने नोटिस किया है कि घर पे जो ख़राब हुआ खाना होता है वो कैसा दिखता है? मोस्टली सच फूड चेंजेस इन कलर एंड टेक्सचर। मोस्टली जो ख़राब हुए खाने होते हैं उनका कलर और जो टेक्सचर होता है वो चेंज हो जाता है। समटाइम स्पॉइल्ड फूड कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाई इट्स अनप्लीजेंट ओडोर और टेस्ट। कभी कभी तो जब ख़राब हुआ जो खाना होता है वो हम लोग को कैसे पता चलता है? उसके बदबू से और जो गंध आती है उसमें, उससे हम लोग को पता चल जाता है कि ये खाना खराब हो चुका है। द फूड मे ऑल्सो बिकम स्टिकी एंड स्लिमी। खाना खराब होने के बाद थोड़ा स्टिकी और स्लिमी दिखने लगता है। सम फ्रूट्स लुक वेरी गुड बट व्हेन यू कट देम यू फाइंड देम डिकेड। कभी कभी तो कोई जो फल होते हैं वो बाहर से तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम लोग उसे कट करते हैं तो वो अंदर से ख़राब हुए होते हैं। सो एक्सटर्नल अपियरेंस आर नॉट इनफ टू डिसाइड वेदर द फूड इज़ गुड और स्पॉइल्ड। तो जो बाहर की चीज़ों से हम ये नहीं बता सकते हैं कि जो अंदर का है वो अच्छा है या फिर ख़राब है। कंज्यूमिंग स्पॉइल्ड फूड इज़ हार्मफुल एंड कैन रिजल्ट इन सीरियस इलनेस एंड फेटल कॉन्सिक्वेंसेस। अगर हम लोग ख़राब खाना खाएंगे तो वो हम लोग के सेहत के लिए क्या होगा? बहुत ही हार्मफुल होता है और हम लोग उससे बीमार भी पड़ सकते हैं। तो सो वी नीड टू प्रिजर्व फूड, इसीलिए हम लोग को खाने को अच्छे से रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन पढ़ेंगे, मीन्स खाने का संरक्षण कैसे हम लोग करेंगे, बचा के कैसे रखेंगे। तो फूड कैन प्रिजर्व्ड इन मेनी वेज। खाने को हम लोग बहुत तरीके से बचा के रख सकते हैं। देर आर नेचुरल केमिकल मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। नेचुरल और केमिकल मेथड दोनों ही हैं जिससे हम लोग अपने खाने को बचा के रख सकते हैं। नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव क्या है? जैसे सॉल्ट, शुगर, अल्कोहल एंड विनेगर, दीज आर ट्रेडिशनल प्रिजर्वेटिव। ये सारे क्या हैं? ट्रेडिशनल प्रिजर्वेटिव्स हैं एंड वी यूज़ देम वाइल मेकिंग पिकल्स, जैम्स एंड जूस एट होम। जब हम लोग घर पे जैम, पिकल या फिर जूस बनाते हैं तो इस चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं। फ्रीजिंग, बॉइलिंग, स्मोकिंग एंड सॉल्टिंग आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी सम नेचुरल वेज ऑफ प्रिजर्विंग फूड। कुछ नेचुरल वे और है जिससे कि हम लोग खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे फ्रीजिंग हो गया, बॉइलिंग हो गया, स्मोकिंग हो गया या फिर सॉल्टिंग हो गया। और कुछ केमिकल फूड प्रिजर्वेटिव भी हैं। सम केमिकल फूड प्रिजर्वेटिव आर सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड एंड सोडियम नाइट्रेट। रिमेंबर दैट सम ऑफ दीज केमिकल आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ। इनमें से जो कुछ केमिकल्स होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल भी होते हैं। समटाइम्स द यूज़ ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कॉज इरीटेशन इन रेस्पिरेटरी ट्यूब्स, एस्थमा एंड मेनी अदर कॉम्प्लिकेशन। कभी कभी जब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड का जो यूज़ होता है उसके वजह से जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्यूब होता है उसमें हम लोग को इरीटेशन होती है, जिससे कि एस्थमा या फिर कोई और भी कॉम्प्लिकेशंस होने के उसमें चांसेस होते हैं। आज हमने इतना पढ़ लिया है फूड प्रिजर्वेशन तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ड्राइंग से पढ़ेंगे, ड्राइंग टॉपिक है वहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, आज जो हमने पढ़ा है उसको आप लोग रिवाइज करिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का पढ़ेंगे।